माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई होप आप सब क्वारंटाइन के टाइम पे, इस कोविड सिचुएशन के टाइम पे आप सब कुछ स्वस्थ होंगे एंड अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग बनाने का जो मकसद था बेसिकली वो ये है कि आज एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी अपनी नीड को देखते हुए, ब्लॉगिंग सेटअप के रिक्वायरमेंट के लिए ही बेसिकली। तो आज उनके हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरी आई थिंक जो राइडिंग गियर्स है उसके बाद की ये वीडियो है जो उसमें मैं कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो लेट्स डू इट। मैंने अपनी बाइक की चाबी ले लिया एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो मैंने जो चीज़ पहली ऑर्डर करी थी वो बेसिकली ये डेड कैट है अपनी, ये मैंने एक डेड कैट ऑर्डर करी थी एंड ये बेसिकली माइक के लिए है एंड मैं इसको अभी लगा के देखता हूँ कि कैसी परफॉर्म करती है अभी की ऑडियो में, और अगर जो मैं इसको लगाने के बाद जो ट्रैक ट्राई करूँगा उस ऑडियो में कुछ फ़र्क पड़ता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जस्ट इसको लगा के आता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको लगा दिया है एंड आई डोंट नो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो तो मैं वीडियो क्वालिटी के बाद ही ट्राई कर पाऊँगा, उसको जब चेक करूँगा। बाकी ठीक लग रहा है मेरे को, आई होप काम बन जाना चाहिए इसका। सो लेट्स सी। बेसिकली मैंने अपनी राइडिंग के टाइम पे जो उसमें विंड की नॉइस आपने एक्सपीरियंस की होगी काफ़ी बार, तो उसके लिए थी, बट आई गेस अभी शायद ना आए, कम ही आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी मैं इसको जब आउटडोर कंडीशन में ट्राई करूँगा तब ज़्यादा अच्छे से इसको मैं रिव्यू कर पाऊँगा या बता पाऊँगा। एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा ड्रिलिंग वगैरह की नॉइज़ आ रही है। एक्चुअली मैं अभी दिल्ली वाले रूम पर हूँ अपने, दिल्ली में आया हुआ हूँ मैं बेसिकली अपना किसी काम से, तो मैंने यहीं के एड्रेस पर अपना ऑर्डर कर दिया था। तो पीछे से थोड़ा गाड़ियों की और उनकी ड्रिलिंग वगैरह की साउंड आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। बाकी एक और चीज़ मैंने ऑर्डर करी है, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करी थी, काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद मैंने ऑर्डर किया। तो लेट्स सी इसमें देखते हैं क्या है। वैसे तो मुझे पता है इसमें क्या है, बट आप लोगों के लिए मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ। एज यू कैन सी ये है होहेम का, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नहीं होहेम का आई स्टडी प्रो 2 3X6 हैंडल स्टेबलाइजेशन गिम्बल है। बेसिकली मैंने अपने SJ कैम और के लिए ऑर्डर किया है। बेसिकली मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जो शेकीनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, स्टेबलाइजेशन नहीं था, जो कि बहुत बेकार लग रही थी और सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था मैं वीडियो। तो आई थॉट के चलो एक ये भी इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं, इसको खोलते हैं। और ये मैं पहली बार आपके सामने ही इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। एज यू कैन सी सारा कुछ रैपर वगैरह अभी ही निकाल रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता, अभी मैं इसको भी ट्राई करूँगा कैसे सीखते हैं। पहले तो मैं सीखूँगा कि कैसे करते हैं, बट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हाँ मैंने क्या क्या ऐसी सीरीज खरीदी है या फिर मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है इसमें, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ही शेयर कर दूँ। तो यह है इसका बेसिकली जो कवर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है। इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। सो पहले तो हमें कुछ बुकलेट्स वगैरह मिलती हैं जो कि इसकी गाइड वगैरह है, इट्स इन चाइनीज प्लस इंग्लिश, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमें कुछ टाइप सी
टाइप बी के लिए वो डाटा के चार्जिंग केबल्स वगैरह और डाटा केबल्स वगैरह मिलती हैं। एंड हेयर इज द गिम्बल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, प्लास्टिक है आई नो बट स्टिल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम फील दे रहा है। एंड आई होप इसमें थोड़ी सी बैटरी हो, बैटरी तो है इसमें, तो आपने ऐसे देखा होगा कि अभी शुरू हो गया। बाकी इसमें जो तीन मोड आते हैं इसमें एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, नहीं डब्बे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है ये कौन कौन से मोड्स आते हैं इसमें। बाकी मैंने तो इसमें तीन मोड्स आते हैं, एक तो नॉर्मल जो और सारा कुछ लॉक कर देता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू एक बार जब खुद इसको सीख लूँगा कैसे करते हैं उसके बाद ही दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी अभी अच्छे से पता नहीं है, मैं भी जस्ट अभी तो लिया है मैंने। तो बेसिकली इसके मैं आपको वो बता देता हूँ बटन्स क्या होते हैं। ओके इसमें बैटरी ही नहीं है, नाइस इसमें बैटरी नहीं है। तो बेसिकली इसमें गाइस यही है, इसमें आपको एक यहाँ पे थ्री मोटर का यहाँ पे थ्री मोटर्स दी हुई हैं इसको मूव करने के लिए। यहाँ पे एक आप देखोगे कि एक होल टाइप का दिया जिसमें आप इसको कुछ भी अटैच कर सकते हो, कुछ भी लाइट्स वगैरह या कुछ भी हैंडल वगैरह। ये एक ट्रिगर है जो आप इसको एक तरह से रीबूट कर दोगे या फिर आप किसी भी पोजीशन में किसी भी मोड में हो आप इसको थोड़ी देर दबा के रखोगे या दो तीन बार दबाओगे तो ये अपने आप नॉर्मल स्टेट में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जॉयस्टिक टाइप की है। उसके अलावा पावर का बटन है, मोड्स का बटन है। तो बेसिकली इसमें यही सब है। अगर आउटपुट की बात करें तो इसमें आप एक इट्स ऑल्सो वर्क एज ए पावर बैंक, तो अगर आपका जैसे GoPro या फिर आपने जो भी आपका एक्शन कैमरा आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हो ऑन द गो। बाकी चार्जिंग के लिए सॉकेट भी यहाँ पर है एंड एक नीचे भी इसका होल दिया हुआ है, सॉकेट टाइप का दिया हुआ है जिसमें आप इसका ये अटैच कर सकते हो। बेसिकली ये ट्राइपॉड स्टैंड भी आपका बन जाएगा। तो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक ऐसा ही नॉर्मल सा कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर होपफुली इस वाले से करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से कुछ रिजल्ट आएंगे इस तरह से। बाकी आपका जो एक्शन कैमरा है वो यहाँ पर लग जाएगा, इसको सिंपली यहाँ से निकाल दीजिए, ये रिमूव होके इसको थोड़ा लूज करिए दोनों सॉकेट्स को, ये ऐसा रहेगा। आप अपना एक्शन कैमरा यहाँ पर डाल सकते हैं देन आप इसको मूव कर सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल रिव्यू है कैसा वर्क करता है या कैसा नहीं करता है, क्या क्या इसमें खासियत है या फिर क्या क्या अच्छा हो सकता था, मैं थोड़ा खुद यूज़ करने के बाद ही आपको बता पाऊँगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है। मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ अपनी व्लॉगिंग सेटअप के लिए या फिर अपने इसमें देखा है। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू। आपने ये व्लॉग देखा एंड जस्ट लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो कि ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, या मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। टिल देन आप ध्यान रखिए अपना एंड बस मेरा ब्लॉग्स देखते रहिए। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो पूरा ब्लॉग देखिए, क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप पूरा ब्लॉग देखते हो। एंड साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मेरे को एक फीडबैक भी मिल जाता है कि हाँ मतलब आप लोगों ने देखा है ना, आपको क्या अच्छा लगा या इम्प्रूवमेंट क्या है मेरा, क्योंकि आई नो मेरे लिए अभी बिगनर फेस है तो इम्प्रूवमेंट का तो उसको बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अभी तो सारा ही इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। तो हो सके तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।